देखिए, ये पूरा ड्रामा दोनों पार्टियां कर रही हैं। आपने खुद ही देखा कि मुख्यमंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर से बात की, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपको लगता है गलत हुआ तो एक्ट करें। एक तरफ आप चीफ मिनिस्टर कहते हो एक्ट करो, और जब FIR होती तो कहते हो ये तो जाति कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मैं ये नहीं करने दूंगा। अरे भाई, आप सीधे से समर्थन वापस लो अगर आप समझते हो ये गलत हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो मेन चीज है समझना चाहिए इसको, सेना एक संस्था है, पुलिस एक संस्था है जी। सेना और पुलिस क्या काम करती है उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर सिविल क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है जिसमें चाहे आंदोलन के तहत ही किसी की हत्या हो जाती है, तो फोर्स के ऊपर भी मुकदमा होता है। हम लोग के आंदोलन यहाँ होते हैं, जब हमारे यहाँ राजनेता घायल होते हैं तो वो भी मुकदमा करते हैं और जिला प्रशासन भी मुकदमा करता है। दोनों की FIR लिखी जाती है। FIR लिखने के बाद कोर्ट में जो केस होता है, जो फैसला आता है, उसके हिसाब से फैसला आ जाता है। यहाँ भी देखिए, कोई सरकार ने FIR नहीं लिखी है, यहाँ भी जो आदमी मरा है उसने पुलिस में FIR लिखाई तो पुलिस को तो FIR लिखनी पड़ेगी। भले ही बाद में सेना ये कह दे कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, वो उनको बरी कर देंगे। लेकिन इसको इशू बना के भारतीय जनता पार्टी जनता को जो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत मतलब समझने वाली बात है। क्योंकि भाई आपकी सरकार केंद्र में है, आप प्रदेश के अंदर सहभागी सरकार के अंदर हो, आप क्यों नहीं आप क्या कहते हैं प्रेशर डाल के उसे कहते हो ये क्या हो रहा है, और फिर क्या चीफ मिनिस्टर इस पोजीशन में है कि FIR को वापस ले सकेंगे? अगर हम FIR लिखा रहे हैं तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या हमारी FIR नहीं ले वापस कर देगा, कैसे कर देगा? तो ये सारी चीजों को सोचने समझने की बात है जी। जो इसका घर में के आदमी मरा है उसने अगर FIR की है तो बाद में पता लग जाएगा सेना की गलती नहीं है, सेना हट जाएगी, उसमें क्या दिक्कत की बात? ठीक है, बहुत से केसेस हुए हैं अशोक जी, सुन लीजिए, बहुत से केसेस हुए हैं। बनारस के अंदर पहले प्रकाश सिन्हा हुआ करता था, 1967-68 की बात है, वहां पे आर्मी में और वहां के लोगों में मारपीट हो गई। पुलिस को जांच मिली, FIR हुई इनके खिलाफ, जांच की गई, उसके बाद जो दोषी रहा उसको सजा दी गई, जो नहीं रहा उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह से हजरतगंज में इमरजेंसी के बाद जब ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी, रंजीत सिंह एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनके समय में वहां पर आर्मी के मेजर से और क्या कहते हैं पुलिस वालों से झंझट हुई, फिर जाकर किसी तरह से मामला शांत हुआ। तो ये हमेशा होता आया है, ऐसा नहीं है वो जा रहे थे, वो अपना बताएंगे कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो सरकार अपने आप देखेगी।